दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वेस्ट बंगाल में कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को जल्दी ही शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की सीएम की तो दोस्तों वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी जो कि 5 मई 2021 को वेस्ट बंगाल की सीएम बनी थी दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी तो नंबर दो पर है फॉरेस्ट मिनिस्टर तो वेस्ट बंगाल की फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं ज्योति प्रिया मलिक दोस्तों इन्होंने 10 मई 2021 को फॉरेस्ट मिनिस्टर होने की शपथ ली थी और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए दोस्तों ये नॉन कन्वेंशनल एंड रीनबल एनर्जी रिसोर्सेज की मिनिस्टर भी हैं तो नंबर तीन पर आते हैं सुंदरबन अफेयर्स मिनिस्टर दोस्तों सुंदरबन अफेयर मिनिस्टर हैं बैनकिम चंद्रा हज़रा दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी तो नंबर चार पर आते हैं वाटर रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट दोस्तों वाटर रिसोर्स इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है मनस भुनिया दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट भी हैं और दोस्तों साथ साथ इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी तो नंबर पाँच पर आते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं स्नेहासिस चक्रवर्ती दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी तो नंबर छः पर आते हैं लॉ जुडिशियल मिनिस्टर तो वेस्ट बंगाल के लॉ जुडिशियल मिनिस्टर हैं मोलोए घातक दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर भी इन्हीं के अंडर आता है नंबर सात पर है स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अरूप बिश्वास दोस्तों इनकी पोलिटिकल पार्टी है ए और ये पावर मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग भी इन्हीं के अंडर आता है नंबर आठ पर आता है मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों ये हैं उज्जवल विश्वास इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए और नंबर नौ पर आता है कोऑपरेटिव मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल के कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अनूप रॉय इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी नंबर दस पर आता है फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर तो वेस्ट बंगाल के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं रथिन घोष दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी नंबर ग्यारह पर आता है अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनसिपल अफेयर्स मिनिस्टर दोस्तों ये हैं फिरहाद हकीम इनकी पोलिटिकल पार्टी है ए नंबर ट्वेल्व पर आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दोस्तों ये मिनिस्टर हैं चंद्रा सिन्हा तो इनकी पोलिटिकल पार्टी है ए दोस्तों ये टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं नंबर थर्टीन पर है एग्रीकल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दोस्तों ये है सोवन देव चट्टोपाध्याय दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए नंबर फोर्टीन पर है स्कूल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर ये है भ्रत्या बासु दोस्तों इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए नंबर फिफ्टीन पर है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दोस्तों ये है पुलक रॉय इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्कस एंड डेवलपमेंट में इन्हीं के अंडर आता है नंबर सोलह पर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दोस्तों ये है शशि पंजा इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए और दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेज भी इन्हीं के अंडर आता है और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन भी इन्हीं के अंडर आता है तो नंबर सेवनटीन पर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रसा एजुकेशन दोस्तों ये गुलाम रबानी इनकी पोलिटिकल पार्टी है ए नंबर अठारह पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दोस्तों ये मिनिस्ट्री अंडर आती है बिल्लभ मित्रा के और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी नंबर नाइनटीन पर आता है मिनिस्टर ऑफ़ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस दोस्तों ये है जावेद अहमद खान इनकी पॉलिटिकल पार्टी है एआईटीसी नंबर ट्वेंटी पर आता है मिनिस्टर ऑफ एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट दोस्तों ये है सुअपन देवनाथ इनकी पोलिटिकल पार्टी है ए तो नंबर ट्वेंटी पर आता है मिनिस्टर ऑफ मास एजुकेशन एक्सटेंशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज दोस्तों ये है सिद्दीकुल्ला चौधरी इनकी तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ए तो दोस्तों ये थी वेस्ट बंगाल की कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी की पूरी लिस्ट दोस्तों आशा करता दो वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद